लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ी खबर, विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर छात्रों में आक्रोश, रिजल्ट रीचेक करने की मांग कर रहे छात्र। छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास जारी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों द्वारा ये मांग करी जा रही है कि रिजल्ट को फिर से चेक किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर छात्रों में आक्रोश है, छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हम है राजधानी लखनऊ के राजभवन पे, जहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने राजभवन का घेराव किया है। उसका कारण है कि एक ही सेमेस्टर में कई छात्रों को पहले पास किया गया था, फिर दोबारा से उनको फिर से फेल कर दिया गया, तो इसलिए छात्र अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए सड़क पर उतरे हैं, राजभवन का घेराव करने के लिए उतरे हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हमारे कुछ भाई मौजूद हैं। भाई, क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोगों ने आज घेराव कर रखा है? सर, पहले रिजल्ट आया था जो कि दोबारा फिर आया है, और जो पहले बच्चे पास थे उन्हें फेल कर दिया गया है, और जो पहले कुछ बच्चे फेल हुए थे दोबारा फिर पास कर दिया गया, नंबर बढ़ा दिया गया, उधर नंबर भी घटा दिया गया और फेल भी कर दिया गया है। और एलयू वाले कह रहे हैं कि सर्वे में सर ज्यादा बैग आ गए, 6-6 सब्जेक्ट में सर फेल हो गए। यहां पे एक लड़की है जिसकी 6-6 में बैग आए, जब माइनस मार्किंग नहीं होती 6 में बैग कैसे आ सकती है? बल्कि सर ये एमसीक्यू को एमसीक्यू पेपर था इसमें। तो आप विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या आपकी मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, जो पहले रिजल्ट था वही वापस करा जाए सर। उससे संतुष्ट है सर, और ये जो रिजल्ट है इससे संतुष्ट नहीं। कितने छात्र हैं लगभग जिनका रिजल्ट इस तरह का आया है? सर, कल एलयू में लगभग 500 से ज्यादा बच्चे गए थे, वहाँ से वापस कर दिया गया, इधर से उधर दौड़ाया गया शुरुआत में, और ऐसे दौड़ाते दौड़ाते वहाँ पे 5:30 बजे तक तमाशा चलता रहा, जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब बच्चे सारे यहाँ पे आए हैं। सर लोग हम लोग को धमकी में डराते रहे कि बताते रहे कि आप लोग बैठिए एक रूम में, लेके वहाँ पे बैठा रहे दो घंटे, दबाव बनाया गया, काम नहीं हुआ। अंदर लेके गए थे कुछ बच्चों को अंदर लेके गए थे, OMR दिखाएं, वो सेटिस्फाई नहीं थे उस OMR से, लेकिन उन लोगों से कह रहे हैं आप सेटिस्फाई लिख के अंदर से तब बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर नहीं आने दे रहे थे, पहले सेटिस्फाई लिखिए तब बाहर जाइए। उनका फ़ोन भी ऑफ कर दिया गया था, एक लड़की के लिए महिला कांस्टेबल भी बुलाई गई थी उसको शांत कराने के लिए, कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर, कि आप सेटिस्फाई लिख के तब बाहर जाएंगे, ऐसे बाहर नहीं जा सकते। तो जैसा कि अभी हमें सभी छात्रों ने बताया, छात्रों के अंदर बहुत ही आक्रोश दिखाई दे रहा है, जितने भी छात्र हैं बहुत ही गुस्से में हैं, और उनकी मांगे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन है उनकी मांगे हैं, जितने भी बच्चे फेल किए गए हैं, जबरन फेल किए गए हैं उनके हिसाब से, उन सबको पास किया जाए। कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV24 लखनऊ।